मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 14 मार्च के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। विक्रम संवत 2076 मास चल रहा है चैत्र का। तिथि कृष्ण पक्ष की षष्ठी की तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है विशाखा, योग है हर्षण और करण है गर। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। आज किसी हरि मंदिर में श्रद्धा सहित लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आराधना करें, दर्शन करें और क्रोध करने से आप बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक मान मर्यादा में वृद्धि होगी। आज आप परिवार के महत्वपूर्ण दायित्व की सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ति करने से आज आप उसमें सफल हो पाएंगे। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित करना चाहिए और एक से अधिक प्रेम संबंध रखने से बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थी वर्ग को सफलता और उत्साह में आज वृद्धि हो, ऐसी स्थिति आज आपके लिए बनती है। भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करना और लाल चंदन का एक टुकड़ा शिव मंदिर में दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उत्साह में कमी मत आने दीजिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से संबंधित कोई समस्या हल होने से दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। चावल उबाल करके, पका करके, देसी घी और कुछ मीठा मिला करके, चीनी मिला करके खुले में पशु पक्षियों के लिए आपको रखना चाहिए। समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में आप न गंवाएं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए भावावेश में किए गए कार्य से आज आपको कष्ट मिल सकता है। तो जो भी बड़े निर्णय करें बहुत सोच समझ करके समय लेकर के आप करिए। गाय को अगर आप रोटी पर सरसों के तेल लगा करके और दो गुड़ के साथ अपने हाथों से खिलाते हैं तो आज आपके काम में आ रहे विघ्न बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। काम में जल्दीबाजी और ज्यादा उत्सुकता आज आप न दिखाएं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक व्यस्तता से निजी जरूरतों के प्रति समय अभाव आड़े आएगा। घर में बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें, आदर करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से आप बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ नई और अच्छी अभिलाषाएं मन में जागृत हो सकती हैं। सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में रखें, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें और कार्य में अवरोध से मन को निराश आप बिल्कुल न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक लोगों से राजनीतिक सक्रियता का आपको आज बढ़िया लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तुलसी देवी की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। लंबी दूरी की यात्रा से आपको बचना चाहिए। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थियों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलने जा रहा है। मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगाना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में किसी मेहमान के आने से मन प्रसन्न होगा। कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी मंत्र का जाप करना, ओम श्री श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आलस्य महत्वपूर्ण लाभ से आज आपको वंचित कर सकता है। तो अपने काम में आपको आज आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। हल्दी चने की दाल का दान किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा और कुछ मिष्ठान के साथ करेंगे तो आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। किसी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद रखने से बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए संबंधों में छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। दूध और चावल का दान करना आज आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। भूखे पेट घर से आज आप मत निकलिए। तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप ये उपाय रोज अपने घर से करके निकलते हैं, दिन के अनुसार ये उपाय करके निकलते हैं, तो आपके शत्रु और आपके रोग आपसे हमेशा दूर रहेंगे। तो क्या कौन सा उपाय है, कौन सा टोटका है जो आपको दिन के हिसाब से रोज करके निकलना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। सोमवार के दिन अगर आप चेक्स वाला कोई शर्ट वगैरह पहन करके या कोई ऐसा रुमाल का टुकड़ा अपने साथ रख करके निकलते हैं
तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और घर से निकलने से पहले जब एक बार हम लोग तैयार होते हैं तो उस समय तो दर्पण में शीशे में अपना चेहरा देखते ही हैं। सोमवार के लिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, हमारे पंचांगों में भी लिखा होता है कि घर से निकलने से पहले एक बार पर्पसफुली आपको कांच में दर्पण में अपना चेहरा देख करके घर से निकलना चाहिए, तो आपका सौभाग्य इससे बढ़ता है, दिन की शुभता जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मंगलवार, मंगलवार के दिन लाल या गुलाबी वस्त्र पहने और घर से गुड़ खा करके निकलें तो आपको फायदा अवश्य होता है और आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व सदैव बना रहता है। इसी तरीके से बुधवार के दिन हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और धनिए का एक टुकड़ा जो है वो हरी धनिया भी हो सकती है और हरी धनिया के अभाव में सूखी धनिया भी हो सकती है, एक दो दाना मुख में डाल करके आप निकल जाएं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र धारण किए जा सकते हैं और घर से निकलने से पूर्व दो चार दाने जो हैं जीरे के मुख में रख करके आप निकलें तो आपको फायदा अवश्य होता है। शुक्रवार, शुक्रवार के दिन सफेद हल्का पीला या हल्का गुलाबी वस्त्र धारण करें और घर से दही चीनी खा करके अगर आप निकलते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलता है। इसी तरीके से शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण करना चाहिए और अदरक का एक छोटा टुकड़ा मुख में रख करके घर से चूसते हुए अगर आप उसको निकलते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलता है। किसी भी तरीके का दुर्भाग्य होगा वो कट जाएगा, वो दूर हो जाएगा। रविवार, रविवार के दिन नारंगी वस्त्र धारण करें या लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं और अपने घर से पान या घी खा करके अगर आप निकलते हैं तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, सुबह सुबह ही पान खा करके जाना आपके लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे में पान का पत्ता आप अपने साथ रख करके निकल सकते हैं। ये बहुत माना हुआ उपाय है। ये सभी उपाय आप अपने गुरु का ध्यान करके, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता जिनको आप मानते हैं, जिनकी पूजा आराधना करते हैं, उनका ध्यान करके अगर, उनका स्मरण करके अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आपका दिन जो है वो मंगलकारी अवश्य बनेगा। दिन में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, किसी भी तरीके की अनहोनी से आप बचेंगे, आकस्मिक दुर्घटना से, बड़े नुकसान से बचेंगे, शत्रु पक्ष से कोई बाधा हो वो आपको परेशान नहीं करेगी और अचानक कोई बड़ा गंभीर रोग आपके सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990
7241 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।